तो दोस्तों जो सामान था वो जाके मैंने वापस कर दिया है, और वो कपड़ा था कोई सा, इसने कपड़ा मैडम की लड़की ने कुछ खरीदा था और तो उसी को वापस करने के लिए आया था मैं। तो दोस्तों वो जो एक कपड़ा खरीदा था वो कपड़ा बताइए तकरीबन 325 रियाल से ऊपर का वो कुछ था पहनने का, पता नहीं क्या था, मैंने देखा नहीं। तो बताइए 325 रियाल का एक छोटा सा कपड़ा इनका था पहनने का था, चाहे जो भी हो टॉप वगैरह कुछ भी जो भी हो पहनती होंगी, तो वो एक बताइए इतना सा एक वो कितना महंगा था, तकरीबन अपने इंडिया के 5,000 से ऊपर 5-6,000 के आसपास में तकरीबन इतना छोटा सा एक, वो भी पूरा फुल सूट नहीं था, पता नहीं क्या था, बट कोई नहीं, यहाँ का सब सिस्टम ऐसा ही है सब कुछ। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी जगह दम्माम में भी नहीं जितनी अच्छी यहाँ खोबर की जगहें हैं। और अब मुझे निकलना है वापस वही मॉल में जिस मॉल में मैंने मैडम को छोड़ा था, और ये साइड में मूपिंग होटल है मूपिक, और यहां से लेना है मुझे राइट, सर्कल पे मुझे नहीं जाना है। तो देख के बताइए जरूर कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, और ये सबसे ज्यादा महंगी जगह है यहाँ की, यहाँ पे जो घर वगैरह का जो रेट वगैरह है जमीन है या प्रॉपर्टी जो भी है तो बहुत हाई, क्या नाम है, बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा है यहाँ का सिस्टम। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत जगह दिख रही है, सब आमने सामने साइड में पूरा सब बिल्डिंग वगैरह बन भी रही है और काफी बनी हुई भी है, आप देख भी सकते हैं। देखिए काफी साफ सुथराई, देखिए खाली कितनी है यहाँ पे, बस इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम साफ सुथराई, आप लोग रोड देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन रोड है, एक जरा से भी आपको रोड पे कुछ नहीं मिलेगा कचरा वगैरह। और फिर से हम उसी सिग्नल पे आ गए जिस सिग्नल पे हम रुके थे, बट दूसरी तरफ से घूम के आए हैं, जिस रोड से पहले थे उस रोड से नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि उसी रोड से वापिस आना। और दोस्तों ये सिग्नल हो चुका है ग्रीन, और यहाँ से निकलते हैं फिर। दोस्तों इस जगह पे मैं हूँ इस वक्त, इस जगह पे दोस्तों रात में और ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे लगता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह इतनी ज्यादा यहाँ पे होती है कि, तो रात में और ज्यादा अच्छा लगता है उससे। और एक हाइपर मार्केट भी देखिए अभी आएगी है लेफ्ट साइड में हमारे, डेन्यूब करके नाम है, ये सामने उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये साइड में है मॉल है पूरा, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मॉल है, और हाइपर मार्केट भी है, इसमें हाइपर मार्केट भी है।
चौड़ी चौड़ी रोडें हैं यहाँ पे, ये हाईवे वगैरह यहाँ पे बहुत चौड़े चौड़े से होते हैं, और जितना भी ये समंदर के किनारे सब बनाया जा रहा है सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें, होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे सब टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं सब इधर से उधर, और यहाँ के भी जो हैं सब ज़्यादातर आते हैं, सऊदी वगैरह के भी हैं और बाकी जो इधर उधर के भी सब यहाँ पे बहुत आते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है। लेफ्ट राइट साइड में एक और है हाइपर मार्केट तमीमी, देखिए उसका बोर्ड भी लगा हुआ है ऊपर तमीमी मार्केट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लग रही है आपको। दोस्तों कभी मैं ये समंदर के पास की भी वीडियो आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा करीब से, यहाँ पे थोड़ा कैसा सिस्टम है, कैसा माहौल है, यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। मैं बहुत पहले आया था और काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं अभी यहाँ आया नहीं, तो कभी जिस टाइम पे यहाँ का आना होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ की भी वीडियो कवर करके दिखाएंगे। दोस्तों उसी जगह पे आ गए हैं ब्रिज के नीचे से जहां से निकल रहे थे, ये उसी रोड पे आ गए हैं। यही हाईवे सीधा दम्माम के लिए जाता है और इसी हाईवे से मुझे, हालांकि और भी हाईवे हैं, कई हाईवे हैं ये जो मेरी तरफ जाते हैं जिधर मेरा रूम है, बट ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, कहीं मुड़ना नहीं होता है। और अब यहाँ से मुझे लेना है राइट, क्योंकि आगे से जो है नीचे उतर जाएगा टनल, तो मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर में से सिग्नल पे जाना है। नीचे तो जाऊंगा तो मुझे सिग्नल नहीं मिलेगा। दोस्तों जिस जगह पे मैं दम्माम में हूँ, दम्माम की जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत वहाँ पे भी है, कभी वहाँ की भी आप लोगों को अच्छी जगह, जो मेन जगह है दम्माम की, वहाँ की भी वीडियो कवर करके दिखाऊंगा। बट जो खोबर जिस जगह पे मैं इस वक्त आया हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा VIP जगह है, इससे ज्यादा अच्छा दम्माम में नहीं है। है दम्माम में भी अच्छा, वहाँ पे भी VIP जगह है, बट ऐसी नहीं है जैसा ये खोबर में, मैं भी आप लोगों को जो वीडियो में मैंने दिखाया है इससे ज़्यादा वहाँ पे अच्छा नहीं है।
दोस्तों मैं उस मॉल के पास पहुंच चुका हूं जहां मैंने मैडम को छोड़ा था। बिल्कुल सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने वही मॉल है। अरे ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है आपको, ये सब होटल वगैरह हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो सब इसमें रुकते हैं आके। ये है दोस्तों वो मॉल जिसमें मैंने मैडम को छोड़ा था, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा सामने से भी दिख जाए, आई होप सो। ये है पूरा मॉल, शायद आप लोगों को धूप की वजह से समझ में ना आए क्योंकि बिल्कुल सामने ही सूरज है। और ये मैं पहुंच गया हूं मॉल। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और आप लोग भी बताइए कि आप लोग किस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, किस बेस पे और वीडियो देखना चाहते हैं। कोशिश करूंगा मैं उसी बेस पे वीडियो बनाने की। और दोस्तों यहाँ की बहुत सी जगहें अभी ऐसी भी हैं कि जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, अगर मेरा वहाँ पे जाना होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ की भी वीडियो कवर करके दिखाऊँगा। और हफ्ते भर में ईद आ जाएगी तो ईद में इंशाल्लाह कुछ प्लानिंग अगर होती है कहीं घूमने जाने की या कहीं भी, तो इंशाल्लाह वहाँ की भी आप लोगों को प्लानिंग तो वैसे मैंने सोच के रखी है, अभी थोड़ा कदम से डिस्कस करके आप लोगों को क्या नाम है ज़रूर बताऊँगा कि किस जगह की प्लानिंग है। तो तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।